टीजीटी और जेबीटी की ब्रेकिंग आपको बता दें, टीजीटी में बैच वाइज भर्ती 1023 की होनी है और जेबीटी में 1161 की। टीजीटी में जो मेरिट लिस्ट है वो घोषित हो चुकी है, अपॉइंटमेंट नहीं हुई थी। जेबीटी में स्टेशन लग चुके हैं, लिस्ट नहीं आई है, तो उनकी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होनी है। तो इन दोनों मामलों में अब आज जो एलिमेंट्री डायरेक्टरेट से केस आया था, उसके बाद सेक्रेटरी एजुकेशन ने इस फाइल को परमिशन के लिए चुनाव आयोग को भेज दिया है। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि ये क्या वहाँ फाइल भेजना जरूरी था या नहीं, ये एक अलग मैटर है, इसको आगे बात करेंगे जब हम कोड ऑफ कंडक्ट बदला वाली खबर लेंगे। लेकिन इन दोनों की फाइल चली गई है। इससे पहले टीजीटी की गई थी पिछली चुनाव आचार संहिता के दौरान, और उस वक्त चुनाव आयोग ने कहा था कि ये बैच वाइज भर्तियां हैं, इनको आप चुनाव खत्म होने का इंतजार करिए, अगर कमीशन से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की भर्ती होती तो हम इसमें अलाउ कर सकते थे। तो अब दोबारा से भेजा है, उसमें क्या होगा, किस तरह से होगा, उसकी इंतजार अभी आपको करना है। रुकी भर्तियों पर एक ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे, और वो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो बहुत सारे हमारे व्यूअर बीच बीच में उठा रहे हैं, और वो मामले ऐसे हैं कि जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग जब बंद हो गया और उसके बाद जब इसको शिफ्ट कर दिया गया सभी क्लास 3 की भर्तियों को लोक सेवा आयोग को, तो जिन मामलों में FIR है और जिन मामलों में FIR नहीं है, उन दोनों में डिफरेंशिएशन अभी नहीं हो पाई है। कैबिनेट सब कमेटी जो मामले भर्तियां अटकी हुई हैं उनमें से उन्होंने सिर्फ JOAIT को लिया है, पहले 817 को लिया था, अब 2 और पोस्ट कोड को लिया है, लेकिन बाकी पोस्ट कोड अभी वहां नहीं गए हैं। अगली जब बैठक आएगी तो उसमें बाकी पोस्ट कोड जाएंगे। लेकिन 18 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है, उस बैठक में एक बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है, अगर इसको सरकार ने अप्रूव किया तो। मैं ये शर्त आपको बता रहा हूं, बेसिकली ये है कि कार्मिक विभाग अपना एजेंडा जो बना रहा है कैबिनेट के लिए, उसमें एक एजेंडा ये भी है कि जो क्लास 3 की भर्तियां हमीरपुर आयोग से लेकर लोक सेवा आयोग को दे दी गई थी, उन सारी भर्तियों को वन गो में वापस ले लिया जाए, लोक सेवा आयोग के दायरे से उनको वापस ले लिया जाए, ताकि उनको बाद में जरूरत के अनुसार राज्य चयन आयोग को परीक्षा पास करने के लिए दिया जा सके। अभी अभी जो पिछले 2 दिन पहले कार्मिक विभाग ने फिजिकल एजुकेशन टीचर की भर्ती का मामला लोक सेवा आयोग से वापस लेकर दिया था राज्य चयन आयोग को, और एग्जम्पशन फ्रॉम कंसल्टेशन एक नोटिफिकेशन इसकी हुई है, ये नोटिफिकेशन कल हुई है, और ये इसलिए दिया है क्योंकि एक झगड़ा है हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद एक कैंडिडेट का, जिसके 2.5 नंबर को लेकर विवाद है, और उसमें क्योंकि पीईटी की भर्ती में रिजल्ट पहले घोषित हो गया था, लेकिन ये झगड़ा कोर्ट चला गया था, कोर्ट ने कहा है कि इसको कंसिडर करो, कंसिडर करने के लिए लोक सेवा आयोग ने FIR वाले मामले या बाकी जो पुराने रिकॉर्ड है उसमें उनको ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, तो इसके लिए कोई एजेंसी चाहिए थी, इसलिए एग्जम्पशन फ्रॉम कंसल्टेशन किया गया है। और इस पूरे मामले में अब जो पीईटी का जो फिर से रिविजन होगा एक कैंडिडेट को लेकर रिजल्ट का, वो राज्य चयन आयोग को दिया गया है। लेकिन जो कार्मिक विभाग ने अभी एजेंडा नोट बनाया है, अगर ये अप्रूव हो गया, सरकार से इसको परमिशन मिल गई कैबिनेट में लगाने की, तो फिर 18 को कैबिनेट में इसका फैसला हो जाएगा, और उसके बाद जो भर्तियां रुकी हुई हैं जिनमें FIR भी नहीं है या पेपर लीक का मामला कोई नहीं है, उनको लेकर जो है वो चीजें वहां हो जाएंगी, या फिर भर्ती जल्दी करने में मदद मिलेगी। तो ये एक बड़ी अपडेट उसको लेकर थी।